जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में हुई, यहाँ भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत के नागरिक ही संविधान के अंदर संरक्षक है, उनमें स्वतंत्रता अधीन है तथा उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया है। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है। देश के नागरिक संविधान का आचरण पालन और सदस्यों का संविधान को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान दिवस को मनाने की परंपरा भारत सरकार के द्वारा इसी उद्देश्य से शुरू की गई भारत के नागरिकों को अपने संविधान के बनाने तथा उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिशा दिया तथा प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने से हमें ये जानने का अवसर प्राप्त हो सके कि कठिनाइयों के साथ भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की, संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण आम नागरिक को बनाया गया तथा आम नागरिक का यह कर्तव्य है जो संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण करें। इस प्रकार देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संविधान हमारी पूरी तरीके से गाइडलाइन है, लेकिन आजादी के 75 साल होने के बाद हमने 100 से ज्यादा संशोधन इसमें किए। समाज परिवर्तनशील है, हम परिस्थितियाँ बदलती हैं, इसलिए संविधान का लचीला और होना बहुत आवश्यक। अम्बेडकर जी बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने वर्तमान परिस्थिति को पूरी तरीके से बदला कर संविधान में बहुत वृद्धि दे रखी और लचीलापन आज हमको बहुत बड़ा प्रावधान दे रहा है। अगर हम इस पर गौर करें, संविधान में मूल अधिकार तो थे लेकिन जिस तरह संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्य संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होंगे।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए वृद्धि और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छूएं। माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथाई स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से चिंतन और मनन करने की बात है कि जो संविधान है 1977 में इन ड्यूटीज को इनकार क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही संपत्ति के दो पहलू हैं। अगर हम कर्तव्य करते हैं तो संबंधित व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सकता है। हमारे संविधान में इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है, इसलिए हमारे इस पर पॉइंट पर विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। अभी Okay.